नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान और वक्त हो चुका है यूपी के खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को सपा के गढ़ आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर कई तीखे प्रहार भी किए। अपने संबोधन में क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आइए सुनाते हैं आपको। जब भी इनको अवसर मिलता है, इनको अवसर मिला, इन्होंने अत्याचार किया, शोषण किया, अराजकता फैलाई। अगर इनको सत्ता में रहने का अवसर मिला, इन्होंने कुछ कार्य किया होता तो गरीब के पास मकान का अभाव नहीं होता। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, कांग्रेस क्या कर रही थी 55 वर्षों तक। सपा बसपा बिना मांगे ही 10 वर्षों तक कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार को समर्थन दे रही थी। क्यों नहीं तब गरीबों के मकान बन गए? तब क्यों नहीं गरीबों के घर में विद्युत का कनेक्शन मिल गया? गांव-गांव में बिजली क्यों नहीं आ पाई? हर गरीब को शौचालय क्यों नहीं मिल पाया? हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन क्यों नहीं मिल पाया? और कोरोना के दौरान भाइयों बहनों, हर गरीब को फ्री में राशन क्यों नहीं मिल पाया? सरकार तो 2020 में भी 8 महीने तक और 2021 में मई से लेकर के और भाइयों बहनों होली तक, यानी 2021 के 22 के होली तक फ्री में राशन सबको मिलेगा। पहले खाद्यान्न विपक्षी दलों के नेता खा जाते थे, गरीब को तो कुछ मिलता ही नहीं था, गरीब देखता रह जाता था। आज गरीब को खाद्यान्न देने का कार्य किया जा रहा है, मकान दिया जा रहा है। अगर मैं आपके इसी जनपद में देखूं भाइयों बहनों, अकेले आपके आजमगढ़ जनपद में 48,736 परिवारों को 584,83,20,000 रुपए की राशि आवास योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अवमुक्त किया गया और शहरी क्षेत्र में 28,542 लाभार्थियों को 521,13,00,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई गई। आपके आजमगढ़ जनपद में 1,813 सामुदायिक शौचालय, और यही नहीं, यहां पर 1,02,415 लाभार्थियों को विद्युत के निशुल्क कनेक्शन देने का कार्य आजमगढ़ जनपद में हुआ है। कन्या सुमंगला योजना में लगभग 18,000 बालिकाओं को जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई है। और ऑपरेशन कायाकल्प, सपा बसपा कांग्रेस को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था तो उनके समय में स्कूल भी उजाड़ लगता था। आज स्कूल आप देखिए, लगभग 2,170 विद्यालयों में यहां पर उनका सुंदरीकरण का कार्य हुआ है। इसके साथ ही यहां पर अगर हम देखेंगे तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ में हम लोगों ने जो तमाम अन्य कार्य कराए हैं, यहां पर 7,93,824 परिवारों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और यही नहीं, जनपद में एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत 98 लाभार्थियों को 7,12,00,000 का ऋण भी यहां पर उपलब्ध करवाया गया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में विपक्ष पर जमकर बरसे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। खाद कारखाना, एम्स और आरएमआरसी की 9 प्रयोगशालाओं के साथ ही कुछ और विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे पीएम मोदी।
गोरखनाथ मंदिर के सभागार में रविवार सुबह मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली ऐतिहासिक होगी। प्रधानमंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ जनता के सपनों को पूरा करने आ रहे हैं। इससे रोजगार बढ़ेगा, विकास की रफ्तार भी तेज होगी, स्वास्थ्य सेवाएं विश्व स्तरीय हो जाएंगी, इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनकी फोटो पर फूल चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सड़कों पर उतरने से नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन करने से बात बनेगी और बसपा इस बार सत्तासीन होगी। उन्होंने कहा कि कुछ संगठन बनाकर कुछ लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद ऐसे संगठन ना तो घर के रहते हैं और ना ही खाट के। मायावती ने कहा कि बाबा साहब ने बहुत कष्ट झेले, लेकिन दलित और मुस्लिम वर्ग के लोगों को कानूनी अधिकार दिलाने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, अकलियतों व उपेक्षित वर्गों के मसीहा एवं भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है। अर्थात आज के ही दिन दिनांक 6 दिसंबर सन 1956 को इनका देहांत हुआ था और आज इस मौके पर सबसे पहले मैंने अपने निवास स्थान पर इनको हार्दिक दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनेकों कष्ट झेलकर खासकर इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान बनाने का मौका मिलने पर फिर इन्होंने इन वर्गों के लोगों को हर स्तर पर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इन्हें कानूनी अधिकार भी दिलाए हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे गांव में बैठकर और चौपाल का दौर शुरू होने लगा है। वहीं इस चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम गाजियाबाद के मुरादनगर ब्लॉक के असालत नगर गांव में पहुंचे और वहां पर लोगों से आगामी चुनाव को लेकर चर्चा किया। इस बार चुनाव पर क्या रही लोगों की राय, इसको जरा ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे ही अगर बात की जाए देहाती इलाकों में तो वहाँ भी गर्मजोशी देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद के एक गांव में पहुँचा हूँ, मुरादनगर ब्लॉक का ये असलत नगर गांव है और यहाँ अगर देखा जाए तो काफ़ी अलग ही माहौल यहाँ का रहता है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो काफ़ी गर्मा गर्मी और काफ़ी दिलचस्प मुकाबला यहाँ हुआ था और आज भी कुछ इसी तरह का नज़ारा है। और जब चुनाव आते हैं तो ख़ास तौर पर गांव की जो बैठकें होती हैं उनमें रौनक आ जाना शुरू हो जाती है। इस वक्त भी मैं यहीं पहुँचा हूँ और ये गाँव की मुख्य बैठक है। यहाँ पर अक्सर चुनावी रणनीतियाँ बनाई जाती हैं, चाहे वो गाँव के चुनाव की बात हो या फिर विधायक के चुनाव की बात हो या फिर सांसद के चुनाव की बात हो। ख़ास तौर पर इसी तरह की जो बैठक होती है वहीं से ही चुनाव की शुरुआत होती है। तो आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी बाबूजी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? रमेश त्यागी। आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार कौन विधानसभा चुनाव को जीतने वाला है? अभी तो देखिए यहाँ टिकट की बात आएगी। वैसे तो ये गांव तो ज़्यादातर पहले से राजपाल त्यागी के पक्ष में ही रहा है। अब उनका बेटा जब लड़ा था तो उसके पक्ष में ही रहा है और पिछली बार जो चुनाव था उसमें तो यहाँ बीजेपी का ज़्यादा बोलबाला रहा है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपने विधानसभा चुनाव की बात बताई, विधानसभा सीट की बात बताई, मुरादनगर विधानसभा सीट है, अगर सीएम की बात की जाए तो क्या लगता है कि कौन सीएम होना चाहिए इस बार? अब सीएम तो सभी लोग ये कह रहे हैं कि योगी रहना चाहिए, योगी रहना चाहिए, योगी ठीक है, तो बात तो ये है, ठीक है लोगों की। अच्छा, आप भी चाहते हैं योगी जी बन जाए? हम भी यही चाहते हैं योगी बन जाए। अच्छा, अगर बात की जाए अखिलेश यादव, मायावती या अरविंद केजरीवाल? फिर तो अखिलेश यादव भी अच्छा है, अखिलेश यादव भी अच्छा आदमी है और तीसरा तो कोई
है भी नहीं जो आ जाएगा इस लायक। अच्छा, पुरानी अगर बात करें मायावती की, पहले रही हैं अब नहीं है, अब तो लगता है कि एक तरह से जो दौड़ है उससे भी बाहर होती है। हाँ, अब वो लड़ाई दौड़ उससे बाहर है लड़ाई से, अब मायावती का नहीं है, चांस कम है। हाँ, तो और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। अरुण त्यागी नाम है। अरुण जी, क्या लग रहा है कौन होना चाहिए इस बार मुख्यमंत्री? योगी का ही बोलबाला है, योगी ही बनेंगे शायद। एक चीज जानना चाहेंगे, अगर बात की जाए वोट की, तो किन मुद्दों पर वोट देना आप पसंद करते हैं? अगर विकास की बात की जाए, तमाम चीज़ों की बात की जाए, तो आप किन मुद्दों पर वोट देना? रोड पे बिजली पे विकास पे। अच्छा, किस तरह का विकास अगर गांव की बात की जाए, तो क्या विकास देखना चाहेंगे अगले 5 सालों में? 5 साल में तो रोड, लाइट, शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया हो। अब नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, थोड़ी और सुधार में आ जाएगी, है काफ़ी सुधार हुआ है और अब और हो जाएगा अगले 5 साल में, होता रहना चाहिए। हाँ, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका क्या नाम है? अनिल त्यागी। त्यागी जी, क्या लग रहा है इस बार योगी आदित्यनाथ बना रहे हैं सरकार? अभी तो ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि भाई कौन बनेगा, कैसे बनेगा, लेकिन ये है कि जैसे जैसे टाइम आगे इलेक्शन की तरफ जाएंगे तब क्लियर होता चला जाएगा। लेकिन जो आबो हवा की बात अगर हम कहें तो बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा उम्मीद है रहने की। अखिलेश यादव कितनी सीट लेकर आ सकते हैं आपके हिसाब से? इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि कितने सीट लेंगे, बाकी जो मेन जो मुकाबला रहने की उम्मीद है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच रहने की उम्मीद है। और अगर ओबीसी की बात की जाए और इसके अलावा अगर बात की जाए मायावती? वो तो अभी स्क्रीन से बाहर ही लग रही हैं, क्योंकि जब तक कोई पार्टी ग्राउंड पर नहीं आती है, जनता के पक्ष की बात खुल के नहीं कहती है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कहाँ स्टैंड करेगी। तो अभी उनके बारे में कुछ। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ की, अगर वो सरकार बनाते तो कौन से ऐसे काम है जो चाहते हैं कि वो आने वाले समय में करें? सबसे विकास का मुद्दा जो है, सड़कें अच्छी बने। अच्छा, विकास कौन सा वाला विकास? जो विकास हो रहा है वो वाला, या जो विकास मर गया वो वाला? बिजली मर गया वो तो भूतकाल की बात होगी, वो चीज़ छोड़ो, विकास से ये डेवलपमेंट होना चाहिए, सड़कें बने, लाइट की व्यवस्था अच्छी रहे, अस्पताल बने पब्लिक के लिए, जो पब्लिक के वेलफेयर के काम है वो हो। हम गाज़ियाबाद के मुरादनगर ब्लॉक के असलत नगर में पहुँचे हैं और यहाँ हम तमाम लोगों से बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार जो देहात इलाका है उनका किस तरफ रुक जाता है, क्योंकि यहाँ के जो वोटर होते हैं कहने के लिए तो कम होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वोटें इन्हीं की होती है, यहीं से सरकार बननी शुरू होती हैं, गाँव के चौपालों से सरकार बननी शुरू होती है और यहाँ से बनते बनते लखनऊ की कुर्सी तक पहुँचती हैं। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। महोबा के खनिज बैरियरों पर रिश्वतखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। वहीं खनिज बैरियरों पर बाबुओं की गैर मौजूदगी में होमगार्ड की तरफ से मनमानी की जा रही है और हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं। हर गुजरती हुई गाड़ियों से सेवा शुल्क लिया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले भी कई बार अवैध वसूली करते हुए खनिज बैरियरों के होमगार्डों का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ है। सूत्रों की माने तो हर दिन होमगार्ड और बाबुओं की साठ गांठ से कई हजारों रुपए कमाए जाते हैं। मोटा शुल्क लेकर बैरियरों से ओवरलोड और एनआर गाड़ियां निकाली जाती हैं। अच्छा, नहीं लगता? चलो शुल्क अब कंट्रोल बैरियर में आपसे जरूर मुलाकात करें, वहीं बैरियर बिल्कुल मुलाकात होगी हमारी आपकी, और हमारी आपकी मुलाकात बिल्कुल होगी और बहुत जल्द होगी। बहुत जल्द होगी बिल्कुल। फिर जब वहाँ से वापसी आओगे यहाँ तक समझ में आएगा तुम्हें। बिल्कुल नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। इंसानियत के जो है, मैं जो 10-10 रुपए का मुंह चुराते हो, और चाहिए तो मैं दे दूं 10 रुपया। क्यों चाहिए मुझे? क्यों चाहिए भाई मुझे? क्यों चाहिए 10 रुपए? सब बेवकूफ है का। तो वो बेवकूफ है, वो लोग दे रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? बन जाना 10 रुपया। नहीं, 10-10 रुपए में ऐसे ये थोड़ी होती है। दस रुपए मान्य रखता है ना, 10 रुपए बचाने में बड़ा। हर गाड़ी से 10 रुपया अगर लेंगे तो फिर जब बहुत हो जाता है ना। तो वहीं इटावा में 5 दिन पहले चाची को लेकर भागे चाची और भतीजे के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटके मिले। वहीं पेड़ के लटके शवों को देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पेड़ से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो एटा का ये पूरा मामला है जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में 2 शव मिले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले चाची को लेकर भतीजा चला गया था, जिसके बाद अब संदिग्ध परिस्थितियों में चाची और भतीजे के शव मिले हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
लखनऊ में एडीजी एलओ प्रशांत कुमार की ओर से बाबरी विवादित ढांचे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रशांत कुमार ने बताया कि विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी को लेकर जिले में सुरक्षा बढ़ाई गई, साथ ही हाई अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा खुफिया विभाग की टीमें भी सक्रिय की गई हैं। तो बाबरी मस्जिद की बरसी पर अलर्ट का ऑर्डर, एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने बताया कि जिले के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज आपको बता दें कि बाबरी विध्वंस की बरसी है, जिसको लेकर पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में एक डीसी डीजीपी के द्वारा भी मुख्यालय से सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनके साथ ली गई है। शासन के निर्देश यही है कि परंपरा से हटकर कोई भी आयोजन नहीं करने दिया जाएगा और इस संबंध में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 150 कंपनी पीएसी तथा 6 कंपनी सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारी तीनों श्राइन है, अयोध्या जी के, काशी विश्वनाथ तथा श्री कृष्ण जन्मभूमि में, वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है और वहाँ का जो डिप्लॉयमेंट है वो इस डिप्लॉयमेंट से अलग है तथा सभी लोग लगातार भ्रमणशील हैं। ये भी सुनिश्चित कराया जाएगा कि कुछ संगठनों ने ये कॉल दिया था। वहीं सहारनपुर में पुलिस की ओर से अपराधियों के खिलाफ की जा रही कड़ी कार्रवाई से घबराए एक शातिर आरोपी ने थाना नागल पर आत्मसमर्पण कर दिया, साथ ही आने वाले समय में अपराध ना करने की कसम भी खाई। बता दें कि पुलिस थाने पहुंचे आरोपी पर पुलिस कर्मचारियों ने गौकशी, गुंडा एक्ट आदि के तहत कई मुकदमे दर्ज किए हैं। तो सहारनपुर का यह पूरा मामला है जहां पर चोर ने थाने में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया और साथ ही उसने कसम भी खाई कि आगे चलकर वो किसी भी अपराध में लिप्त नहीं होगा। थाना नागल क्षेत्र में आज एक गैंगस्टर अभियोग में हमारा एक वांछित अभियोग चल रहा था अशरफ, उसने आज आत्मसमर्पण किया है और आत्मसमर्पण करते हुए उसने ये कसम खाई है कि वो आगे से किसी भी अपराध में संलिप्त नहीं होगा। उसके द्वारा पूर्व में थाना नागल क्षेत्र में ही गौकशी और गुंडा एक्ट के उसके ऊपर अभियोग पंजीकृत है। हम लोग इसमें इसको आगे जेल भेज कर इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहीं हैदराबाद हाउस में दो महाशक्तियों का मिलन हो रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ है व्लादिमीर पुतिन। क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं, आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं। We hold joint military exercises both on the Indian and Russian territory and like to thank you for your attention to this component of our cooperation. Намерены и дальше работать по этому направлению. And we intend to work further on that matter. Еще раз большое вам спасибо. Once again, thank you very much for your invitation. भारत और रूस के बीच एक विदांता, एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है